वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन इंग्लिश हिंदी न्यूज चैनल आम आदमी की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं समीर कुरेसी, जैसे कि आप हमारे कैमरे में देख सकते हो, आज हम आए हैं वड़ाला। भारतीय कामगार संगठन का कार्यकर्ता मेड़वा आयोजित किया गया है यहाँ पे आज, और साथ में सतीश मिश्रा जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है, और फिर से नियुक्ति हुई है साजिद खान जी की महाराष्ट्र अध्यक्ष पद। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं, एक मीटिंग है यहाँ पे कामगार सेना की। हमारे साथ सतीश मिश्रा साहब खड़े हुए हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ इस बारे में कि जो आज ये मीटिंग रखी गई है किस बारे में। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज जो ये मीटिंग रखी गई है इसके बारे में हम बताएंगे। आज ये हम लोग जो है कि नई कार्यकारिणी बैठक कमेटी फॉर्म किए हैं जी, उसके बारे में जो है कि ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है जी। इसमें जो है कि भारतीय कामगार संगठन का जो है कि इलेक्शन हुआ था फरवरी के महीने में, और मुझे जो है कि एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय नहीं ले पाए। तो आज लॉकडाउन समाप्ति की तरफ है, इसलिए आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है ये डिक्लेयर करने के लिए कि भारतीय कामगार संगठन का नई कमेटी फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, और 11 लोगों का मैंने नाम भी डिक्लेयर किया है इसके अंदर जी। जो आने वाले कुछ दिनों में उनको क्या पद दिया जाएगा, किस पद पे कार्य करेंगे, वो भी डिक्लेयर कर देंगे। आज आपने जो 11 लोगों का नाम लिया है, कि उन लोगों को आप पर इतना विश्वास है कि वो काम करेंगे? इसके पहले भी वो किसी काफ़ी संगठन में काम किए हुए लोग हैं, उनका कैरेक्टर भी अच्छा है, मेहनती लोग हैं, लेबर्स लोगों के लिए काफ़ी काम किए हैं, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही होगा, और जिनको मैंने चयन किया है वो भी अपने मेहनत लगन से काम करेंगे लेबर्स लोगों के लिए, और अच्छा रिजल्ट देंगे। आपने यहाँ पर महाराष्ट्र में किसको पोस्ट दी है अभी? हमने यहाँ पर जो है कि साजिद खान को जो है कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है, क्योंकि इसके पहले भी वो इसी पद पे थे, और इन्होंने कार्य अच्छा किया है, अच्छे लोगों को जोड़ा है, अच्छे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के लेबर्स लोगों को भी जोड़ा है, जो है कि हमने अपना विश्वास दर्शाया और उनको जो है कि फिर से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद दिए। आज काफ़ी महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं जी, क्या कहते हैं हम उन बारे में, महिलाओं के बारे में? महिलाओं का सर्वप्रथम हम आदर करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी संगठन के साथ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ हों वो जुड़े, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे काफ़ी महिलाएं होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, उनका जो है कि मॉलेस्टेशन होता है और शोषण होता है, जो बोल नहीं पाती है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उस पर जो है काबू पाया जाए। तो हम लोग चाहेंगे महिलाएं भी जुड़े, उनके जो भी प्रॉब्लम तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों के द्वारा, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आज किसानों पर जो है ज़्यादती हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और इस जास्ती को जो है कि रोकना भी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरीके दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। तो इसका विरोध भी करेंगे हम, यदि जो है कि बंगले से आदेश आएगा, सीएम साहब बोलेंगे, तो हम भी उसमें शामिल होंगे और पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ साजिद भाई, थोड़ा आपको खड़ा रहे, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। साजिद भाई, आज ये जो इतनी बड़ी पैमाने पर मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में आप दो लफ्ज़ बताएं। आज ये जो हमारा साल पूरा हो गया, इसके लिए कार्यकर्ता मेड़ावा भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे मिलना भी था, इसलिए उन्होंने सब पूरे टीम को बुलाया था, तो वो भी एक हो गया। प्लस कल फार्मर्स के इसमें भारत बंद है, उसके लिए भी हम लोग को सपोर्ट, वो भी मार्गदर्शन के लिए आए हैं कि कैसा क्या करना है कल के बारे में, सारी और भी बहुत सी चीज़ें थी, इसलिए हम लोग गेट टुगेदर आज रखे थे ताकि लोग एक दूसरे को मिले और आगे की रणनीति क्या है, कैसा काम करना है, किस बारे में कैसा, किसकी मदद कैसा क्या करना है, उस बारे में पूरा हम लोग आज ये हुआ। और प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे लोग को जो समझाया, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग जो चल रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। आप कब से जुड़े हुए हैं इस संगठन? मैं ये संगठन में तो मुझे 2 साल हो गया, वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये संगठन में जुड़ के मुझे 2 साल हो गया है। क्यों ही यही संगठन, और कोई क्यों नहीं? आप ये संगठन में सबसे अगर काम करने में मज़ा है तो ये कामगार संगठन में ही है, क्योंकि इसमें गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, जो मजबूर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिसको काम नहीं है, किसी के पैसे अटके हैं, किसी को मजदूरी ज़्यादा करा के उनको कम पैसे दिए जाते, काफ़ी इसमें मसले मसाइल है जी। तो और उसमें उसके बाद में भी हमारे इसमें जो है कि जो फैक्ट्री में जो, जैसे मिसाल के तौर पर एक दवा फैक्ट्री हो गई,
उसमें फिर बाल मजदूर काम करते हैं या छोटी मोटी होटल्स हो गई, तो हर चीज़ों में हम लोग ध्यान दे सकते हैं और काम कर सकते हैं, हर एक को हक दिला के देने का काम कर सकते हैं। इसलिए कामगार संगठन ही हमारे, मेरे को कामगार ही चूज़, क्योंकि उसके पहले मैं खुद वातुक वाला हूँ, मेरे पास खुद गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं चूज़ किया हूँ कामगार को, क्योंकि इसमें काम करने में जो मज़ा आता है, जो दिल को सुकून मिलता है लोगों की मदद करने में, और कहीं नहीं मिलेगा। आज काफ़ी आवाम परेशान है इस लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के वायरस से काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई, आज भी जो है ये लोग सोचते हैं कि कोई हमारी मदद करे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं सर, मदद तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय CM साहब, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने जो तरीके से लोगों के लिए सहायता की, और इस वक्त मैं तो समझता हूँ अगर उद्धव जी अगर CM नहीं होते इस दौर में तो पता नहीं क्या होता। उन्होंने संयम बरत के लोगों के लिए BMC से खाना पहुँचाना, लोगों के लिए साधने करना, और अभी कहीं कहीं जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई लॉकडाउन करो ये करो, उनको मालूम है मेरे इधर लॉकडाउन क्यों करूँ जबकि मेरे इधर पेशेंट नहीं निकले। अब ये क्या बड़ी पॉलिटिक्स है ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो CM हमारे को मिले हैं ऐसा CM हमेशा रहे, ये दुआ हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू। आकम साहब, आपको आज जो भारतीय कामगार संगठन ने जो ये इतनी बड़ी मीटिंग रखी है इसके बारे में आपको दो लफ्ज़ बोलना। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग हमारे यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीटिंग रखने के हमारे दो बड़े कारण थे, एक तो कारण था कि हमें हमारी बॉडी पूरी सबको इंट्रोड्यूस कराना था, जो हमारे अशोक मिश्रा जी, हमारे जो सतीश मिश्रा जी हमारे जो अध्यक्ष बने उनको बताना था, प्लस हमारे जो महाराष्ट्र अध्यक्ष साजिद खान साहब जो पहले से महाराष्ट्र अध्यक्ष ही थे, लेकिन जो एज पर जो लेबर का लॉ है उनके हिसाब से फिर से इनको सिलेक्शन करके इनको महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया। अब इसके बाद हम लोग हमारी नई पोस्ट की नियुक्ति करेंगे, जैसे कि मैं राष्ट्रीय पोस्ट पे था जी। अभी फिर से हम लोग हमारी सब कमेटी मेंबर, नई बॉडिंग बने, दूसरी वजह थी कि कुछ लोग थोड़ा पीछे से परेशान कर रहे थे, जैसे हमारे एक पुराने प्रेसिडेंट अशोक गायकवाड़ जी, तो उनको सिलेक्शन से वो हार गए और हमने नया सिलेक्शन से मिश्रा जी को बना दिया अध्यक्ष, तो वो अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को भी पोस्ट दे रहे हैं और जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो उस बारे में हमें पत्रकार भाइयों से क्लियर करना था, हमने उस वजह से मीटिंग रखी है। अच्छी बात है। हमारे साथ एक भाई और हैं, सर क्या नाम है सर? जय शिवराम, मेरा नाम विजय चौहान जी। विजय भाई आप बताइए, आज आप आए हैं इस कमेटी में और आपने भी थोड़ी बातें बताई लोगों को, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है कि भारतीय कामगार संगठन के जो आज एडवोकेट सतीश जी मिश्रा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया है, और साजिद भाई का महाराष्ट्र अध्यक्ष पद करके बहुत अच्छा काम करते हैं, इसके लिए हमने भी सोचा कि संगठन के अंदर सहभागी हुए। थैंक यू बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। ये थे भारतीय कामगार सेना के संगठन के सौरेंज। सर क्या नाम है आपका? मेरा हाजी यासीन चौधरी, मेरी पार्टी में लोग हाजी यासीन चौधरी प्लस मेरे को एक पेट नेम मिला हुआ है चिलिया टाइगर का जी। हाँ, मेरा ये आपसे सवाल है कि भारतीय कामगार संगठन जो आज इतनी बड़ी बॉडी मीटिंग रखी गई है इसके बारे में आपको दो लफ्ज़ बोलने। हमारी बॉडी आज इसलिए बैठी गई कि पिछले एक साल से जो काम हो रहा था जी, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने के बाद हमारी जो कमेटी है राष्ट्रीय की, हम लोगों ने मीटिंग की, अब्बास गड़ियाली ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जगह दूसरे जो काम करने वाले हैं, हमें फोटो वाले नहीं चाहिए, जो काम करने वाला है उनका हम सबका इस्तकबाल करते हैं। तो जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और साजिद खान जो पिछले दो साल से भारतीय कामगार संगठन के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, और उनकी जो मेहनत थी आज भी वो बरकरार है महाराष्ट्र के अध्यक्ष के पद पर है। तो हम लोग का जो काम है वो काम बोलता है, हम लोग फोटो जो भी फोटो आइटम है फोटो में नहीं है, और ना ही हम लोग इतने बैनर लगाते कि हम सिर्फ फोटो पे रहे, बैनर पे रहे, रोड पे नहीं रहे। आज जैसे आपको भी मालूम है कि पिछले 8-9 महीने से लॉकडाउन की वजह से अच्छे अच्छे महारथी भी परेशान है, क्योंकि हाँ बड़े बड़े लोग भी, और उसमें ज़्यादा पीस रहे तो जो गरीब तबका है वो परेशान है। तो हमारी जो टीम है भारतीय कामगार संगठन की और हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं साजिद खान जी, उनके नेतृत्व में हम लोग से जो बन पड़ता है हम लोग हर जगह जा रहे हैं रहने के लिए। साजिद खान रहते सिवड़ी में, मैं रहता हूँ जोगेश्वरी में, कोई थाना में, कोई कल्याण में, लेकिन जब साजिद खान का कॉल जाता है तो सब लोग जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद में एक पैकेज जो एक आदमी को घर के लिए ज़रूरत होती है राशन की, और उस राशन में जो चीज़ की ज़रूरत है घर के लिए
वो साजिद खान हम लोग सब मिल के उसको मुहैया करने के बाद में हम लोग मुमरा तक जाते हैं, वेस्टर्न पार्क यानी विरार तक भी जाते हैं और दहसर चटनाका के आगे वेस्टर्न पार्क करके वहाँ जाते हैं, यानी जहाँ पर हमको ये लगता है कि हाँ हाँ ज़रूरतमंद है हम लोग वहाँ बिना फोटो के बिना वीडियो के हम कोई किसी को दिखावा नहीं, वो इसलिए नहीं करते कि लेने वाले में से हम में से एक है सही। क्योंकि आज जो लोग ले रहे हैं वो कोई गरीब या फकीर नहीं है, उनकी मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी को किसी के सामने नहीं लाते, ये भारतीय कामगार संगठन का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। ये हमारे साथ जो थे भाई, इन्होंने बताया कि हम जो है लोगों की मदद करते हैं और कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए थे इस वजह से आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है ये डिक्लेयर करने के लिए कि अब जो है कि भारतीय कामगार संगठन के नए अध्यक्ष कौन और इसकी नई कमेटी क्या है। तो इसके अंदर जो है कि हम लोगों ने नए कमेटी में 11 लोगों का चयन किया है लेकिन अभी तक किसी का पद डिक्लेयर नहीं किया है। पद जो है कि 10-15 दिन के बाद में जो है कि पद भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाम मैं भी डिक्लेयर कर देता हूँ 11 लोगों का, जिसमें जो है कि विजय भाई चौहान है, सुनील सानप जी है, अब्बास भाई घड़ियाली है, शाहिद रिजवी है, सैयद नियामतुल्ला जी है, वैसे इरफान हातम जी है, वैसे हमारे जो है कि इरफान शेख जी है, इरफान मास्टर जो नासिक में रहते वो आज नहीं आ पाए, वो भी जो है कि इसमें हमारी जो 11 कमेटी में होंगे। इस तरीके से हम लोग जो है कि 11 लोगों की कमेटी फॉर्म की, जी भी हमारी कमेटी में ही होंगे। तो किसको क्या पद देना है वो जो है कि संगठन फिर से बैठक लेगी और उसी उसके बाद डिक्लेयर करेगी किसको क्या पद देना है। भारतीय कामगार संगठन जब से मुंबई या महाराष्ट्र में चल गई है या इसका नाम लोग जब से जान रहे हैं तब से हमारे जो है कि साजिद भाई इसमें पूरी तरीके से एक्टिव हैं और पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी संगठन हो, कोई ऐसी यूनियन हो जो साजिद भाई की तरह काम करती हो। तो इसीलिए इस कमेटी ने भी यही डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है कि साजिद खान ही रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं कामगार संगठन की और हम इनसे जानना चाहेंगे जो आज ये मीटिंग रखी गई थी इस बारे में। क्या नाम है आपका? सविता पुजारी। हाँ पुजारी जी, आप बताइए आज जो कामगार संगठन की जो मीटिंग रखी गई है इस बारे में दो लोग बताइए। वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे व पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे इनके मार्गदर्शन में हम लोग गए 5 साल से भारतीय कामगार संगठन में काम करते हैं। साजिद साहेब आमचे महाराष्ट्र अध्यक्ष आहेत, त्यांना ते कोरोना काळामध्ये भरपूर कामाने धान्य वाटप किए, सॅनिटायझर वाटप किए, मास्क वाटप किए, जो लेडीज लोग की समस्या आहे स्कूल की फीस की वो भी सॉल्व किए और उसके बाद काफ़ी लोगों की मदद की, लेडीज लोग की बैंक की मसले थे वो भी सॉल्व किए साजिद साहब ने। इसके लिए हमको बहुत प्राउड फील होता है महाराष्ट्र अध्यक्ष के ऊपर। और सतीश साहब मिश्रा जी हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जय महाराष्ट्र। सपना जमींदार। हाँ समीना जी आप एक बात बताइए, जमींदार। हाँ जमींदार जी आप एक बात बताइए, आज जो क्या कहते हैं भारतीय कामगार संगठन ने काफ़ी महिलाओं को काफ़ी लोगों को जोड़ के रखा है और उनका यही लक्ष्य कि लोगों की मदद करे, आप क्या कहते हो? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही मदद तो होती है जी। मैं तो कम से कम 12 साल से एनसीपी में जुड़ी थी, मुझे इतना नॉलेज है कि मैंने आज तक जो 12 साल के तर्जुबे में मैंने एनसीपी में कुछ देखा नहीं है। मेरे को 3 महीने मैंने साजिद भाई को यहाँ पे देख के ही और इनकी मोहब्बत में और इनका जो काम देख के मुझे यहाँ पे लगता है कि बस मैं हमेशा इनके साथ रहूँ। क्योंकि साजिद भाई का और जो यासीन भाई है, जो मिश्रा सर है, इनका जो इनका बिहेवियर, इनका जो काम करने का तर्जुबा बहुत अच्छा है और जो महिला लोगों को जो सपोर्ट होता है। और एक मैडम और हैं, क्या नाम है आपका? तृप्ति देशमुख। हाँ देशमुख जी आप भी एक बात बताइए, आज काफ़ी महिलाएं उत्सुक हैं इस संगठन में जुड़ने के लिए और उनको ऐसा लगता है कि हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आप क्या कहते हो? मैं सही बात बोलूँ तो मेरा भी प्रवेश नया ही है लेकिन मैं वसीम भाई के थ्रू से यहाँ तक आई हूँ, जहाँ तक के वसीम भाई की मेरी पहचान बहुत पुरानी है।
जैसे अपने भारतीय कामगार संगठन के अध्यक्ष हैं उनके बारे में बहुत प्राउड फील करती हूँ। उनके बारे में बहुत अच्छा सुना है, उन्होंने आज तक के लॉकडाउन में जो गरीबों की हेल्प की है, जो अनाज कपड़े के द्वारा दूर दूर तक पहुँचाया है अपने कार्यकर्ताओं। कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइन हो गया? मेरे को समझो लगभग 1-3-4 महीना हो गया है। तो आपको क्या तजुर्बा हुआ इतने दिनों में? हाँ, तजुर्बा यही है कि ये जो संगठन है ये काम करने के लायक की है, गरीबों को मदद करने के लायक की है। मैं आज 5-6 साल से शिवसेना में ही थी और अभी कामगार संगठन से जुड़ी हूँ, मुझे प्राउड फील होता है। आज तक मैंने हर जगह काम किया इनके साथ में भी होके, और मैं आज 5 जन के साथ में हूँ, कल 50 के साथ में जुड़ के इनके साथ इनका कामगार संगठन में काम करने के लिए उत्सुकता बहुत है हम लोग। एक और महिला हमारे साथ, क्या नाम है? मसरत सलीम शेख। आप इस संगठन में जुड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, सब लोग एकदम फैमिली जैसे हैं यहाँ पे, और कोऑपरेटिव है, जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और बस अच्छा लगता है, एक फैमिली जैसा है। इनका कहना है एक फैमिली जैसा है संगठन। वो सविता पुजारी जी, जी। महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र, उन्होंने हमें बताया भारतीय कामगार संगठन क्या है, और ये जो भारतीय कामगार संगठन है इसके साथ में जो जुड़ा हमारा एक नाता है, वो नाता हमारा अटूट है, अटूट रहेगा, और जो भारतीय कामगार संगठन है वो थी, है और रहेगी। जय भारत। काम करके दिखाना है आपको? हाँ, हमें काम करके दिखाना है, और जो कोई बोल रहा है कि नहीं है इसमें कुछ दम, तो वो दम क्या है हमें आगे बढ़ के उनके दिखाना है। ये महिला का कहना है कि अगर वो कह रही है कि इसमें कोई दम नहीं है तो हम वो दम करके आगे दिखाएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख।